हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ वापस और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा रात के 7 बजे से। और अभी हम पियेंगे चाय। ये इधर है भाभी, भाभी वाला वीडियो हुआ तो आगे चल रहा है। पालक। हाँ दोस्तों, पहले हम शाम को पियेंगे चाय। ये रखी है चाय, ये मैंने बनाई है। बाकी रात का डिनर भाभी बनाएंगी और मैं आपको दिखाती हूँ। और हम यहाँ पे समोसे भी लेके आए हैं, छोटे छोटे समोसे यहाँ मिलते हैं जो बहुत ही टेस्टी होते खाने में। तो हम पी रहे दोस्तों अपनी चाय, भाभी आ जाओ। और ये हमारी चाय, समोसे, आराम से चाय चुके हैं रात के खाने की तैयारी। और आज मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। भाभी की बेटी जो है पूर्वी है जिसका नाम, देखो उसने क्या कलाकारी करी, मैं आपको दिखाती हूँ। पूर्वी ने क्या किया, जो बड़ी बड़ी बोटल्स होती है गोल्डन की, देखो वो कटिंग करके उसने ये प्लांटर बनाए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये में ये बाहर जो एंट्रेंस है उसके साइड में इसने लगाए हैं, बहुत सुंदर। तो चलो वापस से हम चलते हैं भाभी के पास और देखो भाभी आज क्या बना। बाहर रखी बाहर रखे, अभी सीधी आई तोड़ देगी। आज पालक ज्यादा है ना। पनीर आपने फ्रिज में रख रखे, कहाँ रख दिया तुमने? थैला ही तो दिया मैंने आपके पास, जहाँ आपने बच्चों के टॉफियां रखी। कहीं सीधे कपड़ों में धुन रखे। आज दोस्तों मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, आज मैंने बहुत शॉपिंग करी है अपनी बेटी सिद्धि के बर्थडे के लिए। बहुत कम टाइम बचा है, कम टाइम भी हो, मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं, कल ड्यूटी भी जाना है कल में। तो यहाँ दोस्तों हम आ चुके हैं वापस और आज हम बना रहे हैं, आज हमारा बहुत मन था पालक का साग खाने का। और क्योंकि मार्केट में आजकल ताज़ी ताज़ी पालक आ रही है तो भाभी के स्टाइल का आज पालक का साग देखते हैं। देखो भाभी उसमें टमाटर प्याज सब कुछ डालती है, तो आज मैं आपको इनकी रेसिपी दिखाऊंगी जो सच में बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हमारी बहुत ज़्यादा गप्पे हो गई थी और यहाँ मैं दिखा रही हूँ, देखो हम बूंदी का रायता भी बनाएंगे आज, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा था। और ये चटनी है, ये चटनी भी बहुत टेस्टी जो भाभी ने बना के रखी थी। तो बूंदी का रायता ही बनाते हैं और भाभी की रेसिपी भी देखते हैं। मैं बनी थी
आपको दिखाएंगे कुछ प्रोसेस। ऐसे बड़ा प्यारा सा हमारा सुंदर सा दादा वो मैं पीस गया था ना। ये देखिए आपको ये रायते, बूंदी के रायते की रेसिपी हम आपको बता रहे हैं। बूंदी का रायता, इसमें हल्का सा हमने पानी डाला, दही डाला है, एक हरा मिर्चा, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर, पाउडर होता है हम कैसे बोलते हैं घर में, पाउडर सभी बोलते हैं बचपन में, क्या बोलते हैं नमक, पाउडर नहीं बोलते पाउडर। आप लोग बिस्किट को पहले से बिस्किट बोलते थे कि बिस्कुट बिस्कुट हाँ बिस्कुट। और ये क्या है, रायता मसाला। और ये है सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट, रायता मसाला, जिससे अच्छा टेस्ट आएगा, इसके बिना रायता का टेस्ट नहीं आएगा। वो मिर्च फटी होगी, मिर्च डाली आपने साबुत ना, उस दिन मैंने पकौड़ी नहीं बनाई और ऐसी मिर्च डाली, अरे उस दिन पकौड़ी का ब्लॉग नहीं बनाई, हाँ बनाया तो था और मिर्च पेट फटी हुई मिर्च थे मेरे हाथ में। अब इधर हाथ में देखो, इधर जीरा रख दिया है, मिर्च आपने काट के नहीं डाली, साबुत डाली ना आपने इसलिए फट रही हो। और तुमने डाली अभी, इतने घर जाने का टाइम नहीं मिला ना, नहीं तो मैं घर के बनाती गाँव की। रायता लगभग बन गया पर इसमें ये गाढ़ा हो रहा था रायता ना, नमक डाली आपने, नमक टेस्टी तो हो रहा है बहुत, हरी चटनी देख लिया आपने, मैंने चुपके से डाला थी। बाय, फ्रिज खोलो पहले, आप पहले फ्रिज खोलो, देखो मैं आपको एक चीज दिखाऊं। अरे ये तो क्या है, डरेगी अभी तो बहुत क्रीम बोलो पनीर ये हैंडमेड क्रीम है घर की, ये हमने बनाई आज हरा साग और चावल तो है ही हमारे, चटपटे हमने थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए व्हाइट व्हाइट डाला। यहाँ पे हम नाइट में आ गए और आज मैं और सिद्धि आज यहीं रहेंगे, और सिद्धि तो भाई सिद्धि को तो नींद भी नहीं आती, फिर बच्चों के साथ खेल रहे हैं और इनके रात को ही हो रही है पार्टी। ठीक है दोस्तों, मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा बोल दो शिदि, सब टाटा बोल दो, गुड नाइट बोल दो सब, गुड नाइट।